अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन नज़र, आशा पैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जैसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। पीछे इतनी साफ खूबसूरत सड़कें देख के आपकी तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, मेरी कल आते ही होगी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सफाई है। भाई इस टाइम मैं सिंगापुर के अंदर और सिंगापुर में आया हूँ फार्मूला वन के लिए। फार्मूला वन फैंस, धमाकेदार किस्म की आज की वीडियो होने वाली है। अभी मुझे कुछ यहाँ से खैर खाना पीना है, उसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगा और फार्मूला वन के लिए जाऊँगा। आज पूरा दिन प्रैक्टिस सेशन है और उसके बाद बड़ा बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है। आगे जाके बताता हूँ कि क्या क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर। रेस होगी, बड़े मज़े के खाने होंगे पूरी दुनिया के। खैर, सिंगापुर की टोटल पॉपुलेशन इज़ 5.46 मिलियन ऑलमोस्ट, जिसमें से 4 या 5 लाख मुसलमान है। तो यहाँ पर आपको हलाल खाना ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। उसके अलावा भाई कल आया हूँ, मेरी यकीन करो तबीयत ख़राब होगी, इन्नी सफाई, सड़कें कालियाँ चमक दियाँ पहियाँ ने। तो उस तो बाद मौसम, मतलब इधर इस टाइम 29-30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मौसम जो है वो सही है। बस एज यू नो, सिंगापुर इज़ दी मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। ये मुझे कल आते ही पता लग गया था जब यहाँ पे मेरे कुछ एक दो चीज़ों का ही बिल बना ना, $30-40 मैं कहा बाबा देखते जाओ होंदा की है। जो करेंसी यहाँ पे यूज़ की जाती है वो है सिंगापुरियन डॉलर। वन सिंगापुरियन डॉलर इज इक्वल टू 159 PKR। महंगी पै जाती है चीज़ें बाबा। वहाँ से कॉफ़ी लेके आया हूँ लाते, और एक सिप मैंने लिया है। इतनी बुरी कॉफ़ी कभी भी नहीं पी मैंने। अच्छा भाई, अभी भाई पहुंचे हैं मैकडॉनल्ड्स पे, अपना खाना शाना मैंने लिया है और मेरे साथ है बाउनीचा। हाउ आर यू? हेलो, हेलो एवरीवन, आई एम गुड, आई एम एक्साइटेड फॉर वन राइट नाउ। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओह या, माय नेम इज बाउनीचा, आई एम बेस्ड इन वियतनाम, वर्क एट बाइनेंस इंस्टीट्यूशनल टीम। सो इफ यू हैव एनीथिंग रिलेटेड टू इंस्टीट्यूशनल बिजनेस, फाइंड मी एंड वी आर एक्साइटेड फॉर वन राइट नाउ। थैंक यू सो मच। और बाउनीचा मुझे देने आई है मेरा पास। इस पास की स्टोरी मैं बाद में बताता हूँ, ये डायमंड है मेरे हाथ में इस टाइम। सो जी, खाने में मेरे पास है बाउनीचा को मैंने ऑफर किया, मेरे पीछे कमेंट्स में ना पड़ जाना, वो खा के आई ऑलरेडी। खाने में मेरे पास है मोका फ्रापे, उसके बाद मैंने कॉर्न लिए, थोड़ा हेल्दी चौड़े हैं, और उसके बाद मैंने लिया है बीफ बर्गर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे मुस्लिम्स जो हैं वो 4 से 5 लाख हैं, तो आपको मैकडॉनल्ड्स पे और हर जगह पे खाने में हलाल बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये बीफ बर्गर भी हलाल है। और तुसी कमेंट से अनी पा देंदे हो कि ओ राम खा रहे हैं, मुसलमान हूँ, फिक्र ना किया करो। ओए होए होए भाई, क्या आवाज़ें आ रही हैं, भी पूछी बड़ी अलग किस्म की। खैर फिलहाल मैं एंटर हो लूँ, उसके बाद डिटेल से बताता हूँ, अभी बहुत रश है यहाँ पे। यार इतना क्रेजी सीन, अभी मैं एक दफ़ा पहुंच लूँ, मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस करवाता हूँ। ऐसे आवाज़ें, मतलब टीवी में हमने बहुत दफ़ा देखा हुआ है, हम वीडियोस देखते हैं, लेकिन ये जो आवाज़ है, दिल एक बार एकदम बंदे का बैठ जाता है, इतनी तेज़ आवाज़। वो फरारी मर्सिडीज ऐसे गुजर बुम बुम। दिस इज मरीना स्वीट। Thank you. Your horse is over there. Her name is Molly. Okay. You take this, you put it here. There is a so it doesn't move. Then you drop 4 drops here. 1, 2, 3. अच्छा भाई, मरीना स्वीट के अंदर पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ आते ही इन्होंने हमें दिए कोविड टेस्ट किट, इसका हमें खुद टेस्ट करना पड़ेगा, और ये टेस्ट ना सही आया उस्ताद, इन्होंने इसमें कट देना। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और मैं नहीं चाहता कि मेरा टेस्ट गलत है। Did you put this in your nose already? Yeah. Okay, perfect. Sad if that was positive right now. Please don't say that. No, keep my fingers crossed. Welcome to negative. Martina Fantina. Oh, you get it, Tina. Welcome. उफ भाई, सिंगापुर के अंदर
इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं बाहर से मैं भागा हूँ पूरा पेडो क्लब छोड़ के इसके अंदर आने के लिए कि मुझे थोड़ी देर सांस आ जाए, एक दफ़ा मैं फ्रेश हो लूँ, फिर उसके बाद मैं निकल के पूरा एक्सपीरियंस करवाता हूँ। मैं आपको सारी स्टोरी एक दफ़ा बता देता हूँ ताकि आपको पता होगी ये ब्लॉग किस चीज़ के अराउंड घूम रहा है और हो क्या रहा है। सो फार्मूला वन फैंस को पता होगा कि सिंगापुर में हर साल फार्मूला वन होती है और दुनिया की पहली नाइट फार्मूला वन रेस होती है, अदरवाइज दुनिया में कहीं पर भी रात को फार्मूला वन नहीं होती। अब मुझे बाइनेंस ने कॉल की कि आप फार्मूला वन देखने के लिए सिंगापुर आना चाहते हैं। मैंने कहा मैं क्यों नहीं आना चाहता, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है। तो खैर मैं यहाँ पे हूँ बाइनेंस का गेस्ट। तो ये जो पैडॉक क्लब है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, ये पूरा एक पैडॉक क्लब है। वैसे तो फार्मूला वन के बहुत बूथ होते हैं, सिंपल टिकट्स फलाने ढिमकाने, बट ये जो मैंने आपको पहले कहा कि मेरे हाथ में डायमंड है, ये पैडॉक क्लब का पास है और ये बहुत एक्सक्लूसिव होता है, VIP होता है। तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है क्योंकि इस पैडॉक क्लब पास पे मुझे पूरा पैडॉक क्लब जो है उसकी एक्सेस फ्री है। मैं कहीं भी अंदर जा सकता हूँ, मैं रेसर से मिल सकता हूँ। अभी मैं देखता हूँ, फिलहाल मैं ज़रा थोड़ा सा ठंडा हो लूँ। उसके अलावा यहाँ से सामने ऑब्जर्वेशन डेक है, मैं पूरी रेस यहाँ से देखूँगा। उसके अलावा यहाँ पे बफे बहुत किस्म का लगा हुआ है पूरी दुनिया से डिफरेंट क्यूजींस का, वो खाऊँगा। और ये आते ही जो सामने मेरी चेयर पे एल्पाइन की कैप पड़ी है, ये नीचे से मैं $150 की भी ख़रीदने लगा था, फिर मैं कहा यार $150 की अभी आया हूँ तो सामने पड़ी है, शुक्र है मैंने ख़रीदा नहीं। Fantastic. This is the magic pass. Magic port. Okay. Unlocking the door to garage. To the garage and the paddock. Okay. अभी हमें लेके जा रहे हैं जी नीचे गैराज में, वहाँ पे हम देखेंगे क्या सीन चल रहा है। ये पास है गैराज का, फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप VIP एक्सेस। ये जिस एरिया में मैं इस टाइम फिर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो टीम के मेंबर्स हैं, जिस तरह डिफरेंट टीम्स हैं, लेकिन ये जो पास है इसको ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही ऐसे किसी को मिल सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी गुड लक है। पाडॉक इन सिंगापुर, इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल पाडॉक एंड देन वी हैव यूरोपियन पाडॉक्स दैट आर वेरी डिफरेंट। द लॉजिस्टिक्स इज ऑलवेज द सेम, वी टेक अबाउट 35 टन्स ऑफ इक्विपमेंट टू एवरी रेस, बट इन यूरोप वी ट्रैवल विद ट्रक्स एंड दिस ट्रक्स आर लाइक ट्रांसफॉर्मर्स। व्हेन वी अराइव एट द सर्किट दे बिकम हॉस्पिटैलिटी एरियाज एंड इंजीनियरिंग एरियाज। ये है हमारी टीम और अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं एल्पाइन F1 टीम के गैराज में। ओए होए होए होए, कितने हेडसेट्स हैं, देखते रहो वॉकी टॉकी। अनबिलीवेबल यार, कसम से अनबिलीवेबल। मतलब ये वो गैराज है जिसको बचपन से हमने टीवी में देखा है, गाड़ी आती है रुकती है, कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर टायर चेंज होता है और गाड़ी आगे निकल जाती है। इसी तरह पूरी लाइन के अंदर सब गैराज हैं, हर टीम के गैराज हैं, वहाँ पे सबके अपने अपने लोग खड़े हैं, नए टायर। मैं कहता हूँ गाड़ी को ये कुछ सेकंड्स भी नहीं लगाते हैं उसको खोल के दोबारा बंद करने में, और गाड़ी फिर ट्रैक पे वापस जाती है। अभी सिर्फ प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, रेस शाम को है क्योंकि सिंगापुर के अंदर रेस रात को होती है। ओए होए होए, प्रॉपर लेट्स गो। इस तरह मतलब गैराज का सीन है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और पता नहीं क्या क्या कुछ लगा हुआ है, इंजीनियर्स खड़े हैं, हैवी सीन है। अभी खैर हम लोग दोबारा से नीचे जाएंगे, कुछ और कार्स और ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको करवाता हूँ, उसके बाद ऊपर वापस आके कुछ खाना शाना खाऊँगा। बड़ा अच्छा बफे लगा हुआ है यहाँ पे। आज बेसिकली प्रैक्टिस सेशन है तो ये सारी प्रैक्टिस चल रही है कि गाड़ी को बार बार वो टायर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल रेस में जब गाड़ी आके रुकती है तो उसके बाद उसके कुछ नैनो सेकंड्स के अंदर टायर चेंज हो जाते हैं। तो रेस की भी प्रैक्टिस हो रही है और ये भी सारी प्रैक्टिस। ट्रैक तक आओ पहुँचा भाई, ये इस तरफ सारा ट्रैक आपको नज़र आ रहा है और अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं रेस शुरू होने में। फिलहाल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यही वजह है कि यहाँ पे दिन में रेस नहीं की जाती है। मैं तब तक जाके कुछ खा लेते हैं।
सो ये ओवरऑल पैडॉक क्लब है जहाँ पे डिफरेंट बार्स हैं, आप बैठ के वाइन बियर अगर पीते हो तो वो पी सकते हो, अदरवाइज आप लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हो। पीछे दुनिया के कुछ हाई एंड शेफ्स यहाँ पे हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, तो मैं फिलहाल रेस्टोरेंट में जाऊँगा, बहुत भूख लगी हुई है भाई। ये नोबू रेस्टोरेंट बाय शेफ नोबू, तो अभी पीछे बफे है, मुझे खुद से वहाँ से चीज़ लेनी है, बैठ के ठूसना है। बफे का सीन हैवी चल रहा है, ब्रेड्स की अलग साइड है, डिज़र्ट की अलग साइड है, काफ़ी डिज़र्ट पड़ा हुआ है, सी फूड की अलग साइड है और ड्रिंक की अलग साइड है। फिर यहाँ पे है सुशी, इस सारे में मुझे सुशी और डिज़र्ट ही खाने वाला लग रहा है, तो अभी भाई सुशी उठाएगा अच्छी खासी, वो खाऊंगा। ये पाई का कैमरा चेक करो कितना जंबो जेट किस्म का है, ये वो कैमराज हैं जो आपको ये लाइव दिखाते हैं यहाँ पे, और इस टाइम सामने ऑलमोस्ट फुल होना शुरू हो गया है, और अभी जो टेस्टिंग हो रही है, ये गाड़ी अभी अंदर गई है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ भागती फिर रही हैं, ये टेस्टिंग है इस चीज़ की कि कभी इसको ये ट्राई करते हैं रेस से पहले, लो फ्यूलिंग हाई फ्यूलिंग, वो देखो वो गई सेकेंड भी नहीं लगाती यार, और टायर प्रेशर चेक करके डिफरेंट के रेस से पहले प्रैक्टिस के अंदर हर चीज़ को ये मैनेज कर रहे होते हैं कि हमने मेन रेस में क्या प्रेशर रखना है टायर का, क्या इंजन किस तरह से ट्यून करना है और फ्यूल कितना होना चाहिए, वो सब कुछ अभी सब चल रहा है और आवाम बैठी देख रही है। जिंदगी में वीआईपी माहौल नहीं चाहिए, मैं भी उतर के नीचे आया हूँ, तो असल गेम या मतलब आवाज़ें इस तरह लगता है कि आपके कान फट जाएंगे, इतनी आवाज़ है ऐसे क्यों, ओए 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 ओए, यहाँ बैठ के देखते पागल पागल है ये। Yeah, I'm headed to the bus, then I'm ballin' like God. Yaar, level yaar. Mahol toh sir, idhar hai boys. Mahol idhar hai. यहाँ से ये पूरा ट्रैक नीचे गुजर रहा है, ये बिल्कुल टॉप फ्लोर के ऊपर आया हूँ मैं, सारे फ्लोर यहाँ से नीचे हैं, पूरे सिंगनापुर की बिल्डिंग्स यहाँ से नज़र आ रही हैं पीछे, और अभी अब मुझे वेट है कि यहाँ से गाड़ी गुजरे। ओए होए होए होए, नीचे एक अलग वाइब है, ऊपर बिल्कुल अलग वाइब है, ऊपर से तो लग रहा है कि ये इस तरह सामने मतलब खिलौने गुजरते हुए भी नज़र आएंगे। अभी फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन हो चुका है, सेकंड प्रैक्टिस सेशन होने में थोड़ा सा टाइम है, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूँ ये आप भी कर सकते हो। आवाज़ें आने लग गई हैं, हाँ जी बच्चू बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये पूरा एक्सपीरियंस अगर आप करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आपको बाइनेंस पे साइन अप करना होगा, जो भी न्यू यूज़र होगा जो नीचे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक के थ्रू बाइनेंस पे साइन अप करेगा उसको 1 Alpine फैन टोकन मिलेगा, उससे क्या होगा आप पार्टिसिपेट कर पाओगे Alpine मोटर स्पोर्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, प्लस आपको Alpine का फैक्ट्री विजिट मिलेगा UK में। हाँ, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपकी नहीं होगी, वो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा एक बंदे के लिए चांस हो सकता है कि UK में आप Alpine की फैक्ट्री विजिट करोगे और उनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, और फार्मूला को पूरी दुनिया से 1.8 बिलियन लोग देखते हैं और 200 प्लस कंट्रीज के अंदर ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में पहुंचो, लिंक के थ्रू साइन अप करो। चाचू देख के, ये पीछे आपको नजर आ रहा है एस्तेबान का घर, लेकिन ये Alpine की टीम मुझे एस्तेबान से मिलवाने के लिए लाई थी, बट अभी
इस्तेमान स्टिल रेसिंग 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 और उसी चक्कर में, तो देखते हैं अगर मेरे जाने से पहले वो अपने बूथ में वापस आ गया तो मिल लेंगे, अदरवाइज़ आज भाई यकीन करो सिंगापुर इतना गर्म है। उन्होंने मुझे बताया कि ये 50 तक टेम्परेचर भी यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे जो F1 रेसर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है गर्मी की वजह से। इस टाइम भी अंदर आया हूँ तो थोड़ा सांस आता है, बाहर जाके 15 मिनट भी ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको सांस आना बंद हो जाता है। खैर यहाँ पे बहुत सारा डिज़र्ट है वो सब बाद में, अभी फ़िलहाल मुझे मिला रिब आई स्टेक, और साथ में इन्होंने थोड़ा बहुत देसी माहौल भी रखा हुआ है, तंदूरी स्नैपर विद दाल मखनी, लेकिन हाँ रिब आई लिया। आई डिड अ रोस्टेड बीफ रिब आई। सेकंड में इनसे बनवाऊंगा रैप। हाय 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 हेवी सॉस। इज इट हुमस? यस हुमस। ओके हुमस, हुमस आ गई, और उसके बाद मैं ऐड करवाऊंगा चिकन, साथ में मेरा रिब आई आ गया लेकिन कंजूस में बहुत कम दिया है, दोबारा भी ले सकते हैं ऐसा कोई मसला नहीं है। ले जी खाना शाना आ गया, आज बहुत खाया मैंने, पूरा दिन फ्री फूड, हैवी सुशी मुशी बहुत कुछ खाता रहा हूँ मैं। पहले जूस मंगा लो चाचू। ओए होए होए मलाई स्टेक। गर्म नहीं है लेकिन बहुत मज़ेगा, ऑथेंटिक मीट टेस्ट, हल्का सा सॉल्टी है। खैर अभी वो मुझे नीचे लेके गए थे दोबारा गैराज टूर में अल्पाइन की पूरी टीम, लेकिन शूट करना अलाउ नहीं था क्योंकि वहाँ पे रेसर्स बार बार आके उनके टायर चेंज हो रहे थे, और ये सब कुछ दिखाने की और प्रॉपर रेस दिखाने की कॉपीराइट्स है फार्मूला 1 के पास। मुझे वो नीचे सारी डिटेल बता रहे थे कि गर्मियों में यहाँ पे ड्राइवर्स को कितना पानी पीना पड़ता है, उनका जो वाटर वेट है बॉडी में वो 4-5 किलो कम हो जाता है एक रेस में सिंगापुर में गर्मी की वजह से। और भी जगह गर्मी होती है लेकिन यहाँ पे खास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना पड़ता है बड़ा। और गाड़ी पूरी मुझे उन्होंने, गाड़ी आई है कुछ मिनट्स के अंदर उन्होंने गाड़ी के तकरीबन 200 पुर्जे कर दिए। वो कहते हैं गाड़ी को यहाँ पे इस तरह खोलते हैं इस तरह बंद करते हैं, पूरी पूरी पार्ट्स उसके चेंज होते हैं, 60 इंजीनियर्स एक गाड़ी के ऊपर लगे होते हैं। बहुत बड़ी है दुनिया की भाई, मैं आपको ये जितना कुछ हो रहा है इस फार्मूला 1 पूरे के अंदर मैं आपको चाके भी इतना दिखा नहीं सकता क्योंकि वीडियो 10 घंटे की बन सकती है, इतना कुछ है यहाँ पे। इतनी सारी सुशी देख के अपनी स्टिक मैंने नीचे गिरा ली, तो अब मैं दोबारा उठ के जाने नहीं जा रहा, फोक से खा रहा हूँ। बट सुशी जहाँ पे बफे में मिल जाए मैं तो ना उठूँ एक घंटा यहाँ से। सेकंड सेशन शुरू होने लगा है 2-3 मिनट में। इस टाइम मेरे और इस्तेमान के बीच में सिर्फ ये छत का फ़र्क है, खवातीन हज़रात इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है बिल्कुल। नीचे सारे रेसर जो हैं वो अपनी गाड़ियों में बैठ चुके हैं, इसके दो बूथ आगे जो है वो लुइस हैमिल्टन है, और ये पूरी लाइन के अंदर सारे रेसर अपनी गाड़ियों में रेडी बैठे हैं। लेकिन आपको बहुत दिखा दिया है यहाँ से, वैसे भी ये साउंड प्रूफ है, यहाँ पे किसी गाड़ी का कोई साउंड आएगा नहीं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें भाई को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है, बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। अल्लाह हाफ़िज़।